अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इमरान माफिया मौईशत की तबाही और अपनी नाअहली का बोझ मीडिया पर नहीं डाल सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा है, इमरान माफिया अपनी करप्शन, चोरी, मौईशत की तबाही और नाअहली का बोझ मीडिया पर नहीं डाल सकता। हुकूमत का अपना स्टेट बैंक आपकी नालायकी, चोरी और नाअहली की दास्तान सुना रहा है। सादकाबाद की सहाफी बरादरी का सीनियर सहाफी अजीज मेमन के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। सहाफियों ने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और सहाफियों ने हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि अजीज मेमन के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वकला का पुलिस पर तशद्दुद, डकैती के मुलजिम को छुड़ा लिया। लाहौर में नसीराबाद पुलिस डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को अदालत लेकर पहुंची कि 15 से 20 वकला ने पुलिस पर हमला कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। BRT पेशावर के लिए मंजूर शुदा फंड्स भी कम पड़ गए। जराए के मुताबिक दस्तावेज पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4.28 अरब रुपए के इजाफे फंड्स के लिए हुकूमत को खत लिख दिया और मंसूबे के टीम लीडर ने PC1 भी तैयार कर लिया। पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया से यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें फौरी हटाने की हदायत। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया से यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें फौरी हटाने की हदायत जारी कर दी। IG का कहना है कि मैंने खुद भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दी हैं। PSL मैचेस कराची के शहरियों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम की रहनुमाई के लिए रूट प्लान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शारह फैसल से बरास्ता कारसाज नेशनल स्टेडियम आने वाली सड़क बंद कर दी गई। राशिद मिन्हास रोड से बरास्ता डालमिया नेशनल स्टेडियम आने वाली शाहरा भी बंद होगी। लियाकताबाद से बरास्ता हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से भी नेशनल स्टेडियम तक आने की इजाज़त नहीं। मुसलसल तीसरी बार कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनने पर फख्र है। मारूफ अदाकारा माया अली पाकिस्तान सुपर लीग Season 5 में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की ब्रांड एम्बेसडर बरकरार। अदाकारा माया अली PSL 3 और PSL 4 के सीजन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट popularnews.tv।